तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज़ फॉर्म्ड, और जो कि एक डिप्लोइड सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये जैसे कि आपका सिंगल सेल है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो क्या है, आपका डिप्लोइड है, यानी कि 2n है। इसका मतलब क्या है, इसमें 23 क्रोमोसोम फ्रॉम दी स्पर्म और 23 क्रोमोसोम आपके फ्रॉम दी एग। ठीक है, इसलिए ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर है लेकिन सिंगल सेल्ड है। ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज़ फॉर्म्ड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये नीचे उतरता है यूटेरस में। ठीक, यूटेरस में उतर के इसका इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस रिपीटेडली, और साथ ही साथ जब ये नीचे उतरता है तो इसमें डिवीजन भी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, इस तरीके से इसमें डिवीज़न होता है। और डिवीज़न कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। हमने पढ़े थे आपके डिवीज़न दो प्रकार के होते हैं, एक तो मियोसिस और दूसरा माइटोसिस। ठीक, तो जो माइटोसिस डिवीज़न, वो डिवीज़न होता है जिसमें सेल अपने जैसी दो सेल बनाती हैं, एंड दे आर सिमिलर। सिमिलर मतलब उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अपनी पेरेंट सेल की। पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिवीज़न को हम माइटोसिस बोलते हैं। तो जो ये आपका जायगोट है, ये माइटोटिक डिवीज़न होते हैं इसमें सारे। ठीक है, यानी कि जब जो सारी सेल बनेंगी वो एक जैसी बनेंगी। ठीक, उसके बाद तो माइटोटिक डिवीज़न टेक प्लेस रिपीटेडली, ये हमारा हो चुका है। आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये आपके नोट्स हैं, ये आपको आई विल सेंड यू, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक, उसके बाद द जायगोट डिवाइड माइटोटिकली टू फ्लोम ब्लास्टोमिया। तो वो जो नेक्स्ट स्टेज बनाता है आपकी, वो कौन सी होती है, ब्लास्टोमिया। ठीक है, ब्लास्टोमियर, तो ब्लास्टोमियर, तो जैसे ये आपका जायगोट है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो पहले ये डिवाइड करके क्या बनाता है, दो सेल बनाता है, यानी कि एक सेल से दो सेल बनती है। उसके बाद ये दोनों डिवाइड करती हैं, तो एक अब ये बनती है आपकी चार सेल। ठीक है, फिर चार सेल से इसमें और डिवीज़न होते हैं, फिर इसमें बनती हैं 16 के बाद इसमें बनती हैं आपकी 32। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, और जो ये आपकी 8 से 16 वाली जो स्टेज होती है आपकी, ये आपकी क्या कहलाती है, मोरूला। ठीक है, जब इसके अंदर, यानी कि ये आपका जायगोट है, इसमें डिवीज़न हो गए हैं, और इसके अंदर अब कितनी सेल हैं, 8 से 16 के बीच ऐसी सेल इसके पीछे भी होंगे कुछ। ठीक है, तो उस वक्त हर एक सेल को तो हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। इसकी हर एक सेल क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर, और इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मोरूला। ठीक, ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है आपकी ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, इसमें ये सेल रीअरेंज हो जाती है। ठीक है, जो ये आपकी 32 सेल बन गई हैं, दे गेट्स रीअरेंज्ड। किस तरीके से रीअरेंज होती हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये आपकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टोसिस्ट हम किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये कैविटी डेवलप है। ये क्या है, ये कैविटी है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। इसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको हम ब्लास्टोसोल भी बोलते हैं। ठीक, तो जो ये सेल हैं, ये रीअरेंज किस तरीके से होती हैं, एक तो आउटर लेयर बना देती है, वो तो आपकी कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली आउटर लेयर।
ठीक है, और कुछ सेल इस तरीके से एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। ये वाली सेल आपकी, ये यहाँ पे पिंक कलर से दिखाई हुई है, इनको हम बोलते हैं इनर सेल। ये वाली आपकी क्या है, इनर सेल, इनको एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोला जाता है, और इसके अलावा इनको इनर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्पल कलर में है ये तो आपकी क्या है, ट्रोपोब्लास्ट, और उसके बाद जो ये वाली सेल का ये जो गुच्छा सा बन गया है यहाँ पे, ये है आपकी इनर सेल। तो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ही जो आपका जो आपका ये जायगोट है ये एंडोमेट्रियम से जुड़ता है, यानी उसके साथ अटैच्ड होता है इस लेयर से। और जो इनर सेल है इनका क्या काम होता है, दे फॉर्म दी एम्ब्रियो, इनमें आगे और डिवीजन होते हैं और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, और हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ये आपका डायग्राम है डे वन से, डे वन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद पहला दिन, वो आपका डे वन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये जो टेल है ये स्पर्म की दिख रही है यहाँ पे छोटी सी। ठीक, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या बन गया, जायगोट। तो डे वन में टू सेल स्टेज बनी, यानी कि डिवाइड हुआ, डिवीज़न कौन सा हुआ, माइटोटिक डिवीज़न हुआ, और एक सेल से दो सेल बनी। सेकेंड डे में क्या हुआ, एक सेल से चार सेल बनी। थर्ड डे ये आपका मोरूला बन गया, मोरूला आपका कितनी सेल तक होता है, 16 से 32 सेल। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है आपका, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये इसमें ब्लास्टोसिस्ट दिखाया हुआ है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, जो ये आउटर लेयर है इसको तो हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से एंडोमेट्रियम में यहाँ पे धस जाता है, और इसी के धसने को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो अब ये इसके साथ कनेक्शन सेटअप कर लेगा थ्रू दी प्लेसेंटा, और जो जितनी भी न्यूट्रिएंट की सप्लाई है माता से बच्चे में आने लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू मिलेगी, और जो वेस्ट ये बनाएगा वो इसी के थ्रू निकालेगा। तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन।